जहां पर लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में भी शराग लग गई है। एसी में ब्लास्ट होने से आग लगी और लोगों में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। सेक्टर 100 का मामला बताया जा रहा है। नोएडा जहां पर लोटस सोसाइटी में आग लग गई, एसी में ब्लास्ट होने से आग लगी है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सेक्टर 100 का ये मामला, तो नोएडा जहां पर लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी जहां पर भीषण आग और एसी में ब्लास्ट होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये भीषण आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग भी डरे हुए हैं कि ये आग ऊपर जो और फ्लोर्स हैं या जो, क्योंकि आसपास कई इमारतें भी हैं, तो ऐसे में ये आग और ज्यादा ना फैल जाए। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तमाम कोशिशें कर रही है आग पर जल्द काबू पाने की। तो लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी जहां पर एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये भीषण आग, तो जिस इमारत में जिस फ्लोर पर यह आग लगी उसके आसपास धुआं ही धुआं। अमित चौधरी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, ये फ्लैट लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में है और इसी फ्लैट के अंदर जो आग है वो लगी। और शुरुआत में छोटी आग थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे 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 फ्लैट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और फिलहाल जो दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं आग पर काबू पाने के लिए, और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। शुरुआती जांच में बात पता चली है कि फ्लैट में जो एसी लगा हुआ था, एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से पूरे फ्लैट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पर आग के पीछे लगने का कारण क्या है उसको लेकर दमकल कर्मियों का कहना है कि पहले आग पर काबू किया पाया जा रहा है और उसके बाद में यह स्पष्ट किया जाएगा कि आग लगने के पीछे का कारण क्या है। कई सारी ऐसी भी सोसाइटी है गौतमबुद्ध नगर के अंदर, हाई राइज सोसाइटियां, जहां पर फायर एनओसी या आग बुझाने के इंतजाम पूरे नहीं है। पिछले दिनों भी सर्वे किया गया था, उसमें तकरीबन 48 के आसपास ऐसी सोसाइटी पाई गई थी जहां पर आग बुझाने के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। तो फिलहाल इस सोसाइटी के अंदर किस तरीके के इंतजाम थे उसको लेकर भी जांच की जाएगी और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जो पुलिस है उसको भी मौके पर बुलाया गया है और इस बात को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस जहां पर आग लगी है वहां कोई फंसा हुआ तो नहीं है, और आसपास के जो फ्लैट है इस फ्लैट के ऊपर और नीचे के आसपास के फ्लैट है उन सबको एहतियातन खाली करा लिया गया है। और खाली कराने के बाद तमाम लोग जो खुले मैदान में हैं उनको वहां पर जाने के लिए हिदायत दी गई है। एओए के लोग भी यहां मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं सोसाइटी के वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों को यहां से दूर रखा जाए। जी अमित, फ्लैट में जो लोग रह रहे थे उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है और जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है, आगजनी की घटना जिस वक्त हुई, इस वक्त फ्लैट में कौन कौन था? देखिए, फ्लैट के दो लोग उस वक्त बताए जा रहे हैं जिस वक्त ये आग लगी, दो लोग फ्लैट के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग बढ़ी तो उन लोगों ने फ्लैट से बाहर आ गए, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया गया है कि फ्लैट के अंदर कितने लोग वहां पर मौजूद थे और कोई हताहत है या नहीं है, इस बात को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कोई पुलिस अधिकारियों का बयान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन देखना होगा कि कुछ देर बाद किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि आसपास के जो फ्लैट हैं उनको भी खाली कराया गया है और फायर एनओसी की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, फायर एनओसी यहां पर है या नहीं है। और आग जब वह लगी उसके बाद दमकल की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो तकरीबन 20 मिनट के बाद दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। चलिए ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी जहां पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है।